बच्चा बच्चा हमारा किधर है? गाड़ी कलटी हुआ बच्चा किधर है? हम देखते हैं। बेबसी और लाचारी का शिकार ये लोग सानहे हब में हादसे का शिकार होने वालों के लवाहिकीन हैं, जो अपने प्यारों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। फौरी तौर पर डीएनए टेस्ट कराया जाता है कि विरसा को उनकी लाश मिली जाए, क्योंकि सर एक बंदा मर जाता है बंदों को सफर आ जाता है, एक बंदे का पता ही नहीं है कि मर रहा है जिंदा है क्या करेगा। हादसे का शिकार होने वालों के लवाहिकीन ने सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर लवाहिकीन और वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान तल्ख कलामी और हाथापाई हुई। बर्न सेंटर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अहमर का कहना है, हादसे में झुलस जाने वाले अफराद की हालत तश्वीशनाक है, मजीद जख्मियों के लिए अस्पताल में बेड्स की गुंजाइश नहीं। हमारे यहाँ 70 बेड का ये है कैपेसिटी हमारे पास, लेकिन इमरजेंसी में हम बहुत कम ऐसा हुआ है कि हमने अपने मरीज कहीं भेजे, क्योंकि कोई और बर्न सेंटर है नहीं कराची में सिवाय इस बर्न सेंटर के, और ये बड़ी शदीद जरूरत है वक्त की। आप देखें ऐसे हादसे होते रहे, पहले बल्दिया में एक फैक्ट्री जली थी, तो होता यही है कि जब मरीज आ रहे होते हैं हम उनको लेना पड़ता है। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर हमारे पास 70 बेड हैं और अभी भी हमारी तकरीबन 65 बेड ऑक्यूपाइड हैं, आप अंदाजा लगाएं अगर फर्ज करें अभी 10-12 आ जाते हैं तो हमारे पास कितनी मुश्किल होगी। इसलिए बर्न सेंटर कराची में एक और बनना बहुत जरूरी है। परेशान हाल ये लवाहिकीन जाएं तो कहां जाएं? सिविल अस्पताल कराची की इंतजामिया ने सानहे हब के जख्मी और लाशें लेने से इनकार कर दिया। अस्पताल इंतजामिया की हिदायत पर लाशें ईधी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गयी। ईधी सर्दखाने के बाहर रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आ रहे हैं। लवाहिकीन हमेशा के लिए खो जाने वालों की याद में धाड़े मार मार कर रो रहे हैं।